أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear student, this story, The Wool Children, is divided into two parts. Part number one, we have already learned and know this is the continuation of the story Kamla and Amla, the wool children. ये उस कहानी का तसलसल है. पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, अब ये दूसरा हिस्सा है. पेज नंबर 98. सो लेट्स स्टार्ट. On November 4th, Mr. Singh took the two girls to the orphanage. Orphanage means yatimkhana. 4 November को Singh साहब दोनों बच्चों को यतिमखाने ले गई. In the city, उस यतिमखाने में जो कि शहर में था, शहर में मौजूद यतिमखाने ले गई. His wife, who helped run the orphanage, could hardly believe her eyes as she watched the wolf children. उसकी बीवी जो यतिमखाना चला रही थी, उन्होंने अपनी आंखों पर बमुश्किल एतबार किया. उन्हें अपनी आंखों पर बमुश्किल यकीन आया कि ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, जब उन्होंने इन बच्चों को देखा. Both had thick, rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all fours. दोनों के हाथों, घुटनों और कोहनियों पर मोटी कुर्दरी काल चढ़ी हुई थी. रफ स्किन, कुर्दरी काल, नीज एंड एल्बोस, घुटने और कोहनियाँ. बिकॉज दे मूव्ड ऑन ऑल फोर्स, क्योंकि वो हाथ पैरों के बल चलती थी. जानवरों की तरह ये दोनों लड़कियाँ चलती रहती थी, इसी वजह से इनकी घुटने और कोहनियाँ और हाथ उस पर खुरदरी का चढ़ी हुई थी. When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows. जब वो शॉर्ट वे, मुख्तसर फासला तय करना चाहती थी, तो अपने घुटनों और कोहनियों का इस्तेमाल करती थी. बट वेन दे वांटेड टू रन, दे वुड ट्रैवल यूजिंग देयर हैंड्स एंड फीट. ट्रैवल मीन्स सफ़र. और जब वो भागना चाहती थी, तो वो हाथ और पाँव इस्तेमाल करती हुई सफ़र करती थी. Mrs. Singh gave them each a dish of milk, which they lapped off. Lap off mean zuban se chaat kar peena. Jab Mrs. Singh ne har ek ko doodh ki ek ek rakabi di, to unhone zuban se chaat liya. When she tried to touch them, they growled and sniffed at her hand. Growl mean चीखना, चिल्लाना, गुर्राना. Sniffed यहाँ पर मीनिंग है काटना, वैसे इसकी अपनी मीनिंग है झपट कर ले जाने वाला. तो जैसे ही इन्होंने उसे मसा करने की कोशिश की, तो वो गुर्राई और उसने उसके हाथों को काटा. द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स कमला एंड अमला. लड़कियों को कमला और अमला के नाम दिए गए. कमला मीन्स लोटस फ्लावर. कमला का मतलब है कंवल का फूल.
एंड अमला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर, और अमला का मतलब है चमकदार जर्द रंग का फूल. इट वॉज क्लियर दैट कमला वॉज सेवरल ईयर्स ओल्डर देन अमला. ये साफ जाहिर था कि कमला अमला से कई साल बड़ी थी. एंड मिसेस सिंह गेस्ट मीन अंदाज़ा लगाना, और मिसेस सिंह ने ये अंदाज़ा लगाया दैट कमला मस्ट बी अबाउट 8 years old, कि कमला तकरीबन 8 साल की होगी. The Singhs had no way of telling whether the two girls were sister or not. Singh जोड़े को यानी मियाँ बीवी को ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि क्या ये दोनों लड़कियाँ बहनें हैं या नहीं. And they had no idea how they had come to live with the wool. और उन्हें कोई ख्याल नहीं था, उसके पास कोई तरीका नहीं था ये जानने के लिए कि ये कैसे बीड़िए के बच्चों के साथ रहने लगे है. इट सीम्स ए मिरेकल. सीम मीन मालूम होना, मिरेकल मौजिज़ा. ये एक मौजिज़ा मालूम होता था दैट दे हैड सर्वाइव. सर्वाइव मीन जिंदा बच जाना इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग. ये एक मौजिज़ा मालूम हो रहा था कि कैसे ये बच्चे काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे से जंगल में जिंदा बच गए. मिस्टर सिंह डिसाइडेड दैट द डिस्कवरी ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी किफ्ट ए सीक्रेट. डिसाइडेड मीन फैसला करना, डिस्कवरी दरियाफ्त करना, और सीक्रेट की मीनिंग है रास. मिस्टर सिंह साहब ने फैसला किया कि बच्चों की दरियाफ्त को राज रखा जाए. हिज वाइफ एग्रीड दैट दिस वॉज बेस्ट फॉर द गर्ल्स. उसकी बीवी भी राजी हो गई कि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो. It was a secret that the Singhs were not able to keep for long. ये एक ऐसा राज था जो कि सिंह साहब ज़्यादा देर तक राज नहीं रख सके. When Mrs. Singh tried to give the girls their first bath, जब Mrs. Singh ने बच्चों को पहली मरतबा गुसल देने की कोशिश की, उसको नहलाने की कोशिश की, द ऑर्फनेज इकोड विद देयर हॉल्स. इकोड मीन गूंज उठना, हॉल्स गुर्रान हौंके जानवरों की आवाज़. तो सारा यतीमखाना उसकी हौंकों की आवाज़ों से, उसकी गुर्रानी की आवाज़ों से गूंज उठा. सून टॉक ऑफ द वुल्फ चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू द सिटी. जल्द ही बीड़िए बच्चों की बातें सारे शहर में मशहूर होने लगी, फैल गई. द फर्स्ट लेसन दैट अमला एंड कमला हैड टू लर्न वॉज दैट दे वर नॉट वुल. पहला सबक जो कमला और अमला ने सीखना था वो ये था कि ये दोनों बच्चे बीड़िए नहीं हैं. दिस वॉज फार मोर डिफिकल्ट देन मिसेस सिंह हैड इमेजिन्ड. इमेजिन मीन अंदाज़ा लगाना. मिसेस सिंह ने जो अंदाज़ा लगाया था ये उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम था. ऑल्दो शी डिलिबरेटली मीन जानबूझकर. Although she deliberately played with other children in front of Amla and Kamla, agarche wo jaan boojh kar Kamla aur Amla ke saath khelti rehti thi dusre bachon ke samne, she could not get the wolf girls to behave like human. Lekin phir bhi wo
इंसानी बच्चों को, वुल्फ के बच्चों को इंसानी बच्चों की तरह बर्ताव करने में नाकाम रही। फॉर वीक्स दे इग्नोर द गेम्स एंड लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन। कई हफ्तों तक इन बच्चों ने दूसरे बच्चों की हंसी को नज़रअंदाज किया, हंसी को और खेल को नज़रअंदाज किया। इग्नोर लाफ्टर मीन हंसी और इग्नोर नज़रअंदाज करना। इंस्टेंट खेलने और हंसने की बजाय, इंस्टेंट मीन बजाय, दे प्रेफर्ड टू क्रोच इन द शेड। प्रेफर्ड मीन तरजीह देना, वो इस बात को तरजीह देती थी कि वो किसी साए में झुके रहे और वहीं पर फड़े रहे। आर स्टैंड मोशनलेस, मोशनलेस मीन बेहस हरकत, सुकून, साकिन। आर स्टैंड मोशनलेस विद देयर फेसेस टू द वॉल, या दीवारों की तरफ मुंह करके साकिन रहे। ओनली एट नाइट डिड दे बिकम एक्टिव, वो सिर्फ रात के वक्त चौकस हो जाते थे, एक्टिव हो जाते थे। दे वुड हॉल एयरली, हॉल मीन गुर्राना, एयरली खौफनाक अंदाज में, एयरली मीन खौफनाक अंदाज में। दे वुड हॉल एयरली, वो खौफनाक अंदाज में चीखती। आर होल्ड देमसेल्व्स एट द वॉल इन द इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप, और वो दीवार के साथ टकराने की कोशिश करती फरार होने के लिए। अटेम्प्ट मीन कोशिश करना, एस्केप फरार।